अब टीवी देखने वाले दर्शकों के लिए बुरी खबर है। दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी ट्राई ने केबल चैनलों के शुल्क में काफी बढ़ोतरी कर दी है। नए नियमों के मुताबिक अब फ्री टू एयर यानी FTA चैनलों को देखने के लिए भी दर्शकों को पैसा खर्च करना पड़ेगा। ट्राई के नए नियम 1 जनवरी से लागू होंगे। ऐसे में 1 जनवरी से टीवी देखने के लिए लोगों को अपनी जेब ज्यादा ढीली करनी होगी। इसके अलावा अब आपको उन्हीं चैनलों के लिए पैसा देना होगा जिन्हें आप देखना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि आपने 1 महीने का DTH रिचार्ज किया और आपको वो चैनल मिल रहे हैं जिन्हें कोई देखना पसंद नहीं करता। नए नियम DTH केबल और ब्रॉडकास्टर पर लागू होंगे। DTH और केबल ऑपरेटर्स को प्रत्येक चैनल के लिए तय MRP की जानकारी अपने यूजर गाइड में देनी होगी। नियम नहीं मानने पर इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। माना जा रहा है कि इसका सबसे ज्यादा बोझ उन गरीब और गांव देहात में रहने वाले दर्शकों पर पड़ेगा जो केवल फ्री टू एयर चैनल देखते हैं। अभी दूरदर्शन के DTH पर सभी चैनल देखने के लिए लोगों को पैसा नहीं देना पड़ता है। इसके साथ ही अन्य निजी कंपनियों के DTH पर फ्री टू एयर चैनल अभी तक आधी कीमत पर देखने को मिलते हैं। केबल के जरिए या DTH के जरिए अब तक आपको तकरीबन 100 चैनल फ्री मिलते हैं। ये वो चैनल होते हैं जो आपको पैकेज के साथ मिलते हैं और जिनका कोई पैसा आपको नहीं देना होता। 1 जनवरी के बाद जब ट्राई के नए नियम लागू होंगे तो आपको करीब 130 रुपए भरने होंगे। फिलहाल छोटे कस्बों में केबल और DTH का बिल करीब 200 से 250 रुपए महीने और छोटे शहरों में करीब 350 से 400 रुपए का आता है। इतने रुपए में अभी आप सभी रीजनल चैनल समेत कुछ प्रीमियम चैनल भी देख लेते हैं, लेकिन 1 जनवरी से ये खर्च करीब 650 रुपए से लेकर 850 रुपए महीने का हो सकता है, जिसमें आपको ज्यादातर पसंदीदा चैनल मिल जाएंगे। अगर हम आपको सरल भाषा में समझाएं, तो जितने भी फ्री वाले सेटअप बॉक्स चल रहे हैं वो 29 दिसंबर से बिल्कुल बंद हो जाएंगे। उनकी जगह पर नए MPEG-4 सेटअप बॉक्स खरीदने होंगे जिनकी कीमत बाजार में लगभग 1200 रुपए से लेकर 1500 रुपए तक होगी, जिसमें पहले से आपको 130 रुपए का रिचार्ज करना होगा, जिसके बाद फ्री टू एयर के लगभग 100 चैनल आपको टीवी में मिल सकेंगे। अगर इसके बाद आप अपना कोई पसंदीदा चैनल देखते हैं तो उसके लिए आपको अतिरिक्त पैसा देना होगा, जिसके लिए अलग अलग कंपनियों ने अपने अलग अलग रेट निर्धारित कर लिए गए हैं।